हाई फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप इन टूडे वीडियो टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरे टर्म दैट इज अरेक्टराइजेशन आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो वर्ड क्या है कैरेक्टराइजेशन करेक्टराइजेशन एक तरीके का लिट्रेरी टर्म है तो अब कैरेक्टराइजेशन क्या होता है हम सबसे पहले ये देखेंगे इसके बाद इस कंटेंट को देख लेते हैं कि इस वीडियो के कंटेंट में आखिर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं तो हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे आफ्टर दैट वी विल सी दी एग्जांपल्स ऑफ दी कैरेक्टराइजेशन एंड आफ्टर दैट वी विल सी दी टाइप्स ऑफ अ कैरेक्टराइजेशन तो ये जो वीडियो होना वाला है ये बहुत बड़ा नहीं होने वाला है हम लोग इसमें कैरेक्टराइजेशन की मीनिंग को बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे और उस कैरेक्टराइजेशन के एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं मीनिंग को देखने वाले हैं तो कैरेक्टराइजेशन आखिर क्या होता है वॉट इज कैरेक्टराइजेशन देखिए कैरेक्टराइजेशन एक तरीके की टेक्निक है टेक्निक का मतलब क्या होता है तरीका होता है ठीक है अब ये टेक्निक कौन यूज करता है तो ये टेक्निक जो है राइटर यूज करता है और क्यों यूज करता है टू डेवलप अ कैरेक्टर्स फॉर हिज और हर स्टोरी तो अगर हम एक बार में बोला जाए तो कैरेक्टराइजेशन जो है वो एक तरीके की लिटरेरी टेक्निक है जिसके थ्रू कोई राइटर जो है वो अपनी स्टोरी में अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करता है इंट्रोड्यूस करता है अब देखिए कैरेक्टर क्या होते हैं कैरेक्टर जो है वो किसी भी तरीके का कोई पर्सन हो सकता है एनिमल हो सकता है और फिगर्स ऑफ अ स्टोरी हो सकता है देखिए जैसे यहाँ पे बहुत ही दो फेमस कार्टून कैरेक्टर दिए हुए हैं एक है टॉम और एक है जेरी ठीक है तो देखिए इसमें जो है टॉम और जेरी दोनों कौन से कैरेक्टर हैं एनिमल वाले कैरेक्टर हैं तो इस कार्टून का जो भी ऑथर होगा उसने अपने आ, कार्टून में मेनली दो कैरेक्टर को डाला है तो इनका जो कैरेक्टराइजेशन का वो वेक क्या था कि इन्होंने अपने कैरेक्टराइजेशन में दो एनिमल्स को नाम दिया है टॉम एंड जेरी सिमिलरली एक और फेमस कार्टून है जिसका नाम है जंगल बुक इसमें कई सारे आपको कैरेक्टर्स देखने देखने को मिलेंगे लेकिन इसका जो मेन लीड कैरेक्टर है जो हीरो है दैट इज अ प्रोटेगनिस्ट इज मोगली है और मोगली क्या है मोगली एक ह्यूमन कैरेक्टर है अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन कैरेक्टर

और टोटल थर्टी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप कभी कैंटरबरी टेल को पढ़े होंगे तो उसमें उनका जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है उसमें आपने देखा होगा कि जोफ्री चौसे सबसे पहले थर्टी कैरेक्टर्स uh, के बात, बारे में बात करते हैं तो जैसे कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स द नाइट हो गया द स्क्र हो गया फिर प्रायरस हो गए द मॉन्क द फ्रायर द वाइफ ऑफ बैथ ऑक्सफर्ड क्लैरिक द पार्सन द प्लोमैन द मिलर द रीव द पार्टनर द समनर एंड सो ऑन इस तरीके से उन्होंने थर्टी कैरेक्टर्स को अपने इस प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में इंट्रोड्यूस किया तो सबसे बेटर अगर आपको एग्जाम्पल लिटरेचर में मिलता है कैरेक्टराइजेशन का तो वो जॉफरी चौसर के कैंटरबरी टेल्स में है उसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ कैरेक्टराइजेशन तो अभी हमने क्या पढ़ा मीनिंग ऑफ कैरेक्टराइजेशन देखा उसके बाद हमने देखा एग्जांपल के थ्रू कैरेक्टराइजेशन को अब जो हमारी इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं वो हम टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन को पढ़ने वाले हैं तो कैरेक्टराइजेशन मेनली हमारे दो तरीके के होते हैं एक होता है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन देखिए, डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन इज वेन एंड ऑथर डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर एज इफ टेलिंग द रीडर्स डायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन तब होता है जब कोई ऑथर जो है वो अपने कैरेक्टर के बारे में आपको डायरेक्टली बता दे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑथर uh, है वो मोगली को डिस्क्राइब कर रहा है तो ही विल डिस्क्राइब इट डायरेक्टली दैट मोगली इज़ अ कैरेक्टर एंड ही इज़ अ ह्यूमन बींग एंड ही लव्स अ नेचर वहाँ पे वो डायरेक्टली बता देगा कि वो नेचर को लव करता है अब अगर हम इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए इन कैरेक्टराइजेशन जो होता है वो एक तरीका का कैरेक्टराइजेशन होता है जिसमें जो कैरेक्टर के बारे में जो आपकी डिटेलिंग होती है वो ऑथर आपको आपसे उम्मीद करता है कि आपको एक्शन से उसके डायलॉग से और उसके मोनोलॉग से आपको पता करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आ, मोगली आ, अपने सामने बगीरा को देखता है तो वो उसको देख करके डर जाता है तो उसके रिएक्शन से हमको ये समझ में आता है कि वो बगीरा को ज्यादा पसंद नहीं करता है या तो फिर उससे डरता है उसको ऑथर ने आपको डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं बताया कि मोगली को बगीरा पसंद नहीं है या फिर वो उससे डरता है लेकिन आप किससे समझे हो? उसके एक्शन से या फिर उसके डायलॉग से या उसके बॉडी जेस्चर्स को देख करके आपने देखा तो देखिए इस हिसाब से आई थिंक ये दो वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे कौन कौन से एक तो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन और उसके बाद सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन अब इसको भी चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है ऑथर जो है वो अपने कैरेक्टर के बारे में जो भी चीज़ होगी वो आपको क्लियरली बताएगा ठीक है इसको एक बहुत ही अच्छे राइटिंग वे में या डायलॉग के तौर पे देखते हैं देखिए कोई ओल्ड मैन है ओल्ड मैन हमफ्री नेवर लाइक द चिल्ड्रन तो यहाँ पे जो ऑथर उसने क्या बोला कि एक हमफ्री नाम का ओल्ड मैन है और उसको बच्चे नहीं पसंद है तो आपको ये डायरेक्टली पता चल गया कि जो हमफ्री है उसको बच्चे नहीं पसंद है लेकिन वहीं अगर हम लोग इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में आते हैं तो उसमें क्या बोला गया है ओल्ड मैन हमफ्री फ्री स्टिफेंड द मूवमेंट द चाइल्ड केम क्लोज गेट आउट हियर ही स्नैप्ड अप्रप्टली उसमें तो क्या हो गया जो हमफ्री है उसने क्या किया तुरंत जैसे ही बच्चे उसके पास आते हैं वो तुरंत उनको क्या बोलता है गेट आउट ऑफ हियर तो उसमें कहीं आपको जो ऑथर उसने ये नहीं कहा कि उसको बच्चे नहीं पसंद है लेकिन उन्होंने ऐसा डायलॉग डाला और उसके एक्शंस को आपको देखने के लिए बोला जिससे आप ये चीज को आराम से महसूस कर सकते हैं कि वो बच्चों को नहीं पसंद करता है तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा हमने देखा कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है और उसके दो टाइप्स को देखा तो व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टराइजेशन इज अ टाइप ऑफ अ लिटरेरी टेक्निक विच इज यूज बाय अ राइटर टू इंट्रोड्यूस और टू डेवलप अ कैरेक्टर आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा इसके बाद हमने क्या देखा कैरेक्टराइजेशन कितने टाइप के होते हैं द टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ अ कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट इज डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन और इन दोनों का मीनिंग हमने बहुत अच्छे से देखा और इसको हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको लगता है कि ऐसे ही कोई और भी लिटरेरी टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने हैं या समझ में नहीं आ रहे थे यू कैन कॉमेंट मी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल